वेलकम टू जागरण जोश, आई एम निधि मित्तल। हमारा आज का टॉपिक है 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए टॉप डिफेंस जॉब्स। देश की रक्षा करना हर युवा का सपना होता है और भारत के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होना अपने आप में ही गर्व और सम्मान की बात है। भारत के तीनों सेनाओं के सोल्जर्स देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। भारत इस साहस और जज्बे को सलाम करता है। अगर आप इनमें से किसी एक विंग का हिस्सा होने का जज्बा रखते हैं तो हमारा ये वीडियो आपको उस प्रोफेशन में जगह दिलाने के लिए मदद करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने वाले इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में हर डिपार्टमेंट के अंदर कई वैकेंसियां निकलती हैं, जिसमें एमटीएस, कारपेंटर, वेल्डर जैसी वैकेंसीज होती हैं, जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होता है और कुछ पदों के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है और उनके साथ आपको एक साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिफेंस में आपके लिए कई वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, इंडियन नेवी कई ऐसी वैकेंसीज निकालती है जिनके लिए स्पोर्ट्स कोटा होता है, जिसमें नाविक, कुक और स्टूवर्ड की पोस्ट होती है। इनके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास है। इन पोस्ट पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे कैंडिडेट्स का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के थ्रू खेला होना ज़रूरी है और साथ ही उन्होंने फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड रैंक प्राप्त कर रखी हो। वही बात की जाए भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना के कई रेजिमेंटों में ज़्यादातर वैकेंसी मजदूर और फायरमैन की निकलती है, जिनके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th पास होता है। वहीं एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और वाई की वैकेंसीज निकलती हैं। इन पदों पर भर्ती रिटन टेस्ट के आधार पर होती है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तीनों सेनाएं समय समय पर जगह जगह रिक्रूटमेंट रैली करती रहती हैं, जिसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, ग्रुप एक्स और वाई की वैकेंसीज होती हैं। इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना ज़रूरी है और साथ ही आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ हो। भारतीय सेना में सोल्जर पोस्ट के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, जो कि दो फेजेस में होता है, पेपर 1 और 2। पेपर 1 में सभी सोल्जर पोस्ट आती हैं, पेपर 2 में सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट आती हैं। रिटन क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। भारतीय सेना में कुछ पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएँ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट पास हों। और ये भर्तियाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम और एनसीसी के थ्रू होती है। तो ये थी कुछ अहम जानकारियाँ जिनकी ज़रूरत आपको इस प्रोफेशन में जगह दिलाने में मदद करेंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और सरकारी नौकरी ऐप डाउनलोड कीजिए।